बाबा को क्यों नहीं बताना? क्यों नहीं बताना? बाबा आके डांटेंगे फिर। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। यहाँ पर तो जी शरारतें शुरू हो चुकी हैं। मुझे था बुखार और नूरू ने जो है वो रज के शरारतें की हैं। सबसे पहले उन्होंने तोड़ा गिलास जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। उसके बाद उनको कहीं से मिल गया था पेन, और पेन के साथ उन्होंने क्या क्या हशर किए हैं, अलमारी के, अपने मुंह के, दरवाजे के, और पता नहीं कहाँ कहाँ उन्होंने जो है वो पेन के निशान डाले। और इतनी ज़्यादा इन्होंने शरारतें की इन कुछ दिनों में कि मैं आपको बता नहीं सकती। और कुछ शरारतें जो है वो इनकी वो मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो मैं उठ नहीं पा रही थी। तो जब थोड़ी सी तबीयत में संभली मेरी तो मैंने इनकी थोड़ी थोड़ी सी जो शरारतों की वीडियो थी वो मैंने रिकॉर्ड कर ली, और मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैडमें क्या क्या शरारतें करती हैं। मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही है, सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बुखार हो रहा है, उठो चाय बना के दो मुझे। चाय बना दोगी? बना देती हो, फिर जंपिंग शुरू कर दिया है। चाय बना के लाओ मम्मा के लिए, जाओ भाग के जाओ, जाओ आप भी चाय बना के लाओ मम्मा के लिए। और ये देखो अब ये मुंह तो धो लो खुद ही, मुझ में हिम्मत नहीं है, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। उठो खड़ी हो जाओ, उठो जाओ मम्मा के लिए चाय बना के लाओ। उसके बाद भाई इन मैडमों के हाथ में चॉकलेट्स का डब्बा आ गया था, तो आपको पता ही है जब बच्चों के हाथ में चॉकलेट्स का डिब्बा आ जाए और चॉकलेट्स बच जाए ये तो हो ही नहीं सकता। वो तो मेरी अचानक जब नज़र पड़ी तो मैंने देखा इन्होंने ही सिर्फ 5-7 पीस जो है वो चॉकलेट्स के बचाए हुए थे, बाकी सारी चॉकलेट्स जो है वो ये खा पी कर ख़त्म कर चुकी थी। और खाना इसलिए नहीं खा रही थी ये दोनों, हालाँकि मैं इतनी मुश्किल से उठ कर इनके लिए मैं रोटी बना के ला रही थी, लेकिन ये रोटी बिल्कुल नहीं खा रही थी क्योंकि मुझे नहीं था पता इन्होंने कहीं चॉकलेट छुपा कर रखी हुई थी, अलमारी में से निकाल कर इन्होंने कहीं बेड के नीचे साइड पे छुपा दी थी और ये साइड टेबल के पास बैठकर जो है वो खाती रही हैं और मुझे बिल्कुल नहीं पता चला। उसके बाद इन्होंने ये वो अलमारी के जो हशर किए थे चॉकलेट ढूँढने के लिए तो वो आपके सामने है। इन्होंने मेरे सारे कपड़े ऐसे ख़राब किए मैं बता नहीं सकती। मैंने एक दो दिन पहले ही अपनी अलमारी सेट की थी अपने कपड़े सारे तय लगा कर, और गर्मियों के मैंने साइड पे करके सर्दियों के निकाले थे, लेकिन इन्होंने सारा कुछ जो है वो सत्यानाश कर दिया। और उसके बाद ये देखिए इनके मुंह के हाल, मैं क्या करूं इन बच्चियों के साथ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आती है। मजाल है जो ये एक मिनट के लिए भी टिक कर बैठ जाए। सारे बच्चे शरारती होते हैं मैं मानती हूँ, लेकिन माशाल्लाह से इनकी तो शरारतें अब जैसे जैसे बड़ी हो रही हैं और ही ज़्यादा शरारतें होती जा रही हैं, और बिल्कुल मेरे हाथों में नहीं आती ये दोनों। इतना कि मुझे ये तंग करती हैं मैं बता नहीं सकती। ये देखिए पूरे पाँव पे, टांगों पे, हाथों पे, बाजुओं पे, हर जगह पे, जहाँ जहाँ पर इनका बस चल सकता था इन्होंने जो है वो पेंसिल्स के निशान लगाए। अभी ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो छोटी छोटी सी शरारतें हैं, आगे मज़ीद जो है वो इनकी शरारतें आने वाली हैं। तो आप देखकर हैरान होंगे कि बच्चे इस तरह से भी शरारतें करते हैं। सारा मेरा मेकअप का इन्होंने सत्यानाश किया हुआ था, मेरे फाउंडेशन, मेरी आई शेडो सारी उठा के इन्होंने तोड़ी हुई थी, और यकीन करें जगह जगह पे इन्होंने वो मल दी हुई थी। फाउंडेशन पूरे कमरे में इन्होंने हर एक चीज़ पर मला हुआ था, अपने खिलौनों पर और पता नहीं कहाँ कहाँ। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं ज़्यादा शूट करती, मैं भूल गई थी, लेकिन एंड में जो था बाद में मुझे ख्याल आया कि मैं इनकी वीडियो ही शूट कर लूँ, तो फिर मैंने इनकी वीडियो शूट की। तो यहाँ पर ये देखिए जी हुरैन मैडम जो है वो उठा के बैठी हुई है मेरा फाउंडेशन, और मुझे पता भी नहीं था कि कब इन्होंने उठाया और कहां से उठाया, और ये देखिए इन्होंने क्या हशर किए हैं। और बस अब आप लोग ही बताइए मुझे कि मैं इनके साथ क्या करूं, इनको डांटूं, इनको मारूं या इनको प्यार करूं। कोई एक जुमला जो आप इनके लिए कहना चाहें तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर जी हम तीनों माँ बेटियों में चल रही थी बहस,
नूर और मैं जो है हुरैन को डांट रहे थे, लेकिन हुरैन पर मजाला जो ज़रा बराबर भी फ़र्क पड़ा हो, नूर ने जो है वो ज़्यादा शरारतें नहीं की थी, हुरैन ने इस दफ़ा जो है बहुत ज़्यादा शरारतें की और मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया। हालांकि सब लोग कह रहे होते हैं मुझे कि जो तुम्हारी हुरैन है ना वो ज़्यादा शरारतें नहीं करती, ज़्यादा तंग नहीं करती। ये मैं उन लोगों को दिखाने के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि देखे, जो आप कहते हैं ना कि बड़ी ये मासूम सी बनी फिरती है ना, ये भी खैर से कम नहीं है, ये भी इसका जो इसके बस में आता है ना तो ये शरारतें करती फिरती है। सारा मेरा मेकअप इसी ने तोड़ा है और सारा पेन जो है इसी ने मुंह पे मल दिया था, और मुझे पता है कि मैंने किस तरह से इसका मुंह धोया है, मल मल के साबुन लगा 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 के 3-4 दफ़ा मैंने इसका मुंह धुलाया, तब जाके इसके मुंह से जो है वो कुछ दाग धब्बे हटे हैं। तो अब फिर मैंने कहा चलो मैडम अब सफाई भी तुम खुद ही करोगी, तो देखिए इसके हाथ जो है वो तौलिया लग गया और ये तौलिए से फिर साफ़ करना शुरू हो गई। अल्लाह मुझे इतनी वो हो रही थी, इसने गंदा तो कर ही दिया था, मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, इसको मना भी करूँ तो फिर क्या फ़ायदा, तौलिया तो वैसे ही ये गंदा कर चुकी थी। इसने सारा फाउंडेशन जो है फिर तौलिए के साथ साफ़ किया कि कहीं मम्मा ही ना देख ले, मैं इनको डांट रही थी, मुझे नहीं पता चला ये अंदर कमरे में आ गई भाग के, और आते साथ ही इसने जो है वो टॉवल उठाया और इसने जल्दी से जो है वो फ़र्श जो है वो साफ़ करना शुरू कर दिया। तो जब फिर मैं मोबाइल लेकर अंदर आई तो मैंने देखा तो ये मैडम जो है वो हाल कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने इन्हें नहलाया धुलाया तैयार कराया, कपड़े शपड़े पहनाए कि चलो ये जो है अब सेट हो जाएंगी। फिर उसके बाद जी इनके हाथ में जो कचरा लगा इन्होंने जी वो फ्रिज में से पेप्सियाँ निकाल के पी हुई थी, तो वो ये देखिए उसको टेढ़ा मेढ़ा करके तो मुझे दिखा रही थी कि आप मम्मा जहाँ भी चीज़ें रखोगी हम उठा लेंगे, उल्टा फिर इनको अगर डांटो ना कुछ बोलो ना तो ये देखिए आगे से कैसे मुझे फिर शुरू हो जाती, क्योंकि बाबा ने हमें कहा था ये खा लो ये पी लो, इनके बाबा इनको ज़रा नहीं डांटते, ज़रा मुझे भी कुछ नहीं कहने देते, मैं इनको ज़रा सा डांटूं इनके बाबा आ जाते हैं, क्यों डांट रही हो मेरी बेटियों को, जो खाती हैं इन्हें खाने दो, जो करती हैं इन्हें करने दो। तो होती तो हैं बेटियां बाप की लाडली, इतना तो मुझे भी पता है कि बाप जो है वो सबसे ज़्यादा लाड करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बच्चियों के लिए थोड़ा सा जो है इनको डांटना भी ज़रूरी होता है, और माएँ शायद इसलिए थोड़ा सा बच्चियों को डांट रही होती हैं कि ये थोड़ा सा जो है वो ख़ुद को संभाल लें, सेट हो जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा शरारतें भी जो है ना वो अच्छी नहीं होती हैं बच्चों के लिए, इसलिए मैं अक्सर जो है वो इनको डांटती रहती हूँ, मना करती रहती हूँ कि ये काम ना करो, इस तरह की शरारतें ना करो, लेकिन ये यकीन करें फिर भी नहीं मान रही होती। जाहिर सी बात है बच्चियाँ अभी इनकी एज ही ऐसी है, खिलौनों से क्यों नहीं खेलती हो, हैं अपने टॉयज उठाया करो उनसे खेला करो, ये कोई खेलने की चीज़ें हैं, सारा दिन कचरा करती हो। क्या नहीं करते क्या नहीं दोगी मुझे, क्या नहीं दूंगा, भूख लग गई तो खाना बना रही हो, हुरैन आप क्या कर रही हो, क्या बना रही हो, तस्वीर बना रही हो, किसकी तस्वीर बना रही हो, हेलो जान, हुरैन जान, मीति तस्वीर, हाँ वहाँ वहाँ खड़ी होके बनाओ ना, वहाँ खड़ी होके बनाओ, हाँ चलो अब बनाओ, वेरी गुड वेरी गुड, वाओ जबरदस्त, बहुत जी। बच्चों की शरारतें तो चलती रहती हैं रोज़ाना, चाहे हम बीमार हों या ठीक हों, बच्चों ने कहाँ रुकना होता है, इनकी तो शरारतें चलती ही रहेंगी साथ साथ, तो यही ज़िंदगी है, यही जो है बच्चों की खूबसूरती भी यही है, शरारतें करते हुए बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी नूर हूर के लिए भी ढेर सारी दुआएं किया कीजिए आप लोग, और मेरी वीडियो कैसी लगती है आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें, तो क्योंकि आपका फीडबैक मुझे मिल रहा होता है तो बहुत अच्छा लगता है, और अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए मेरा चैनल सब्सक्राइब, मुझे रखिएगा दुआओं में याद, अल्लाह हाफिज़।